बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग आए हैं आईआईटी भिलाई, जिस जो कि क्या बोलते हमारे जो भिलाई की वन ऑफ द शान में से एक हो गया है। इंडिया में 23 आईआईटीज हैं और यह हम एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे सुंदर से भिलाई में भी आईआईटी जो है वो ओपन हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि आईआईटी कितना ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पर आईआईटी में देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं क्योंकि ये जो आईआईटी है टॉप नंबर का इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो आज हम लोग आईआईटी के अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं कि जो आईआईटी का जो बिल्डिंग्स है और जो आईआईटी है वो कैसा दिखता है, कंस्ट्रक्ट कैसा हुआ है, और आईआईटी को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो चलते हैं आईआईटी के अंदर, आप भी ब्लॉग में लास्ट तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साइंस सेंटर है इसी से कनेक्टेड इस साइड पर एकेडमिक एरिया है, जो आप ऐसे दिख रहे हैं ना जो आपको मतलब कैमरे में, वो पूरा एकेडमिक एरिया है। और ये जो साइंस सेंटर है एकेडमिक एरिया है ये पूरा कनेक्टेड है। और आप देख ही सकते हैं कि ये जो बीच बीच में यहाँ पर पाथवेज भी दिए हैं, कॉरिडोर भी दिए हैं, पूरे ये जो साइंस सेंटर एकेडमिक एरिया है कनेक्टेड है। तो गाइस ये जो आईआईटी भिलाई ये पूरा चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ है और इसमें जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो भी एजुकेशन सेंटर बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव भी दिख रहे हैं। और यहाँ के जो पाथवेज है, रोड्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और कितने सारे यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, और ऐसे ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने का तो सबका मन ही करता है। तो आपको भी ज़रूर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश मैं भी आईआईटी में पढ़ता, और मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर मतलब जो आईआईटी जिन्होंने बनाया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आईआईटी को कंस्ट्रक्ट भी किया है। तो आपको मेरे वीडियोस ऐसे ही दिखते रहेंगे और मेरे चैनल में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अलग हट के वीडियोस आते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए करें, शेयर कर दीजिए करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए करें, ताकि जो वीडियोस है आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आ जाए। और नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आ रहा तो आप जैसे ही यूट्यूब को खोलेंगे तो होम पेज में भी वीडियोस दिख जाए। इसीलिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको आईआईटी कैसा लगा, उसमें आप कुछ रिव्यूज़ में लिख सकते हैं आईआईटी के। ये जो आईआईटी है ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। और ये जो आईआईटी का जो आप पीछे में बिल्डिंग देख रहे हैं, जो ये साइंस सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक एच वाली बिल्डिंग देख रहे होंगे, और ये जो एच वाली बिल्डिंग है इसके जो टॉप में सैटेलाइट्स भी लगने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये आईआईटी को और सुपीरियर बनाती है। और एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है फुल्ली इको फ्रेंडली है। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ट्रीज दिखेंगे जो कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और आपको नेचुरल ग्रीन ग्रासेस भी दिखेंगी जिससे हमारा मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी हम लोग आईआईटी के पाथवेज में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्लीन पाथवेज यहाँ पर बनाए गए हैं, और आजू बाजू ग्रास भी रखी गई है ताकि जब हम लोग चले तो कभी भी हम लोग ग्रीन रंग बाहर में जब चलते हैं, पेड़ों का ग्रीन, नेचुरल ग्रीन हम कलर देखते हैं, तो हमारा जो दिमाग रहता है वो काम रहता है और काफ़ी सारा ज़्यादा हमारा जो मूड रहता है वो फ्रेश रहता है। जब भी हम लोग यहाँ की रोड्स में चलते हैं और या फिर गाड़ियों से आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर इंडिकेशंस दिए कि कहाँ पे कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप इनको देख लीजिए करें, तो इससे आपको डायरेक्शंस भी मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर जब कभी भी आते हैं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखिए। और गाइज आप वो वाइट एंड येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे होंगे वो मेस है, और जो मेस के जस्ट जो राइट साइड में है ये बॉयज़ हॉस्टल के पीछे साइड में, ये है गर्ल्स हॉस्टल जो आप देख रहे होंगे बीच साइड में, और ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मेस की तरफ मूव कर रहे हैं।
8th year of IIT Bhilai, and I want to tell you all that this campus is very new for us and for everyone as well, because it got completed just now, and I'm really enjoying the ambience here and overall environment. And I would really like all the students to study hard to get to such prestigious colleges and study further for the advancement of. IIT भिलाई के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और एक काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर जो वाटर आता है वो वेस्ट नहीं होता, यूं ही कहीं पे बह नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जो वाटर आता है वो ट्रीटेड होता है प्रॉपरली, और जो ट्रीटेड होने के बाद वो वाटर रिसाइकल होता है। और एक अच्छी बात भी यह है कि यहाँ के पेड़ों को भी साफ पानी दिया जाता है। गर्ल्स जिन लोग की मैरिज हो चुकी है उन लोग के लिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ रह कर पढ़ाई कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा मुझे अच्छी चीज लगी कि जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी अपना IIT में पढ़ने का मौका कभी नहीं छोड़ सकते, वो भी यहाँ पर रह के हॉस्टल में रह के स्टडीज कर सकते हैं। और मैरिड होल्डर हॉस्टल से जस्ट लगा हुआ यहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी डेवलप हो रहा है, जहाँ पर काफी सारे गेम्स खेलने की व्यवस्था। काफी ज्यादा शानदार यहाँ पर घर बना हुआ है, और ये जो घर है इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था है। गाइज IIT भिलाई में शॉपिंग सेंटर एंड हेल्थ सेंटर की भी व्यवस्था है, ताकि जो हम जरूरत का सामान है उसको यहाँ से परचेज कर सके, और कभी भी जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम हेल्थ सेंटर में भी आ सकते हैं। गाइज तो अभी हम थोड़े रेसिडेंशियल एरिया में आए हैं, और IIT के प्रोफेसर्स के रहने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट भी बना हुआ है, और उसके जस्ट नीचे साइड में ये देखिए आप पूरा वाटर देख रहे हैं, लेक है, और उसके जस्ट साइड में क्लब है जहाँ पर सारे इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है। और इस हम लोग हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स रहती है, जैसे बेकरी की शॉप्स है, SBI बैंक के कंप्यूटर की शॉप है, और काफ़ी सारी कलेक्शंस की भी दुकानें हैं। तो मतलब जो नॉर्मल डेली नीड्स रहती है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी सारे अमाउंट में है, और मतलब यहाँ पर कोई भी कंफर्टेबली लिव कर सकता है, और उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादातर रिसोर्सेज के लिए बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, वो अपने IIT में ही कम्फर्टेबली वॉकेबल डिस्टेंस से अपने घर के पास से ये सब चीज़ों का मतलब जो लुफ्त है उसको उठा सकता है। और जो जो ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये जो शॉप्स है, इसके जस्ट पीछे साइड पर ही हेल्थ सेंटर है, और हेल्थ सेंटर के जस्ट राइट साइड पे लगा हुआ यहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया गया है, ताकि कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो हमको IIT से बाहर ना जाना पड़े, हम वो हॉस्पिटल में जाके हम चेकअप करा सकते हैं। पीछे आप देख ही सकते हैं कि ये हेल्थ सेंटर है, और कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कभी भी फीवर आ जाता है, तबीयत खराब होती है, तो हमको IIT से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर लिव कर रहा है वो मेडिकल सेंटर में मतलब वॉकेबल डिस्टेंस में मेडिकल सेंटर है। ये जो IIT है ये सिरसा खुर्द से लगा हुआ है, और जो दुर्ग एंड भिलाई का जो ये बीच में है, ये जो IIT है दुर्ग एंड भिलाई के एकदम सेंटर तरफ में है, और इसका जो डिस्टेंस है ये रायपुर से 40 किलोमीटर्स का है। और ये जो IIT है इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख के और पेशेंस के साथ डेवलप किया गया है, यहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ पर मतलब कोई भी जब यहाँ पर प्रोफेसर रहते हैं
और जो भी बच्चे यहाँ पर हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर शॉपिंग मार्ट है, यहाँ पर मेडिकल सेंटर है। जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, जो मैक्सिमम जो टॉपर्स रहते हैं, जो हायर लेवल के जो बच्चे रहते हैं, जो टॉप करते हैं, वो मैक्सिमम IITs के रहते हैं, क्योंकि IIT का जो एजुकेशन लेवल है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। इसीलिए जितने भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनकी जो फर्स्ट डिमांड रहती है, उनकी जो फर्स्ट चॉइस रहती है, वो IIT रहती है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि अभी मैं IIT भिलाई में हूँ, और ये जो इतना ज़्यादा विशाल का जो IIT है, वो हमारे भिलाई में बना, इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।